लेकिन यह मैं दसो कि किड़े कानून के लिखा कि कलोनिया के महलिया के शराब के जे सरकार इन्ना की रेवन्यू चाहिए इन्ना की टैक्स की वसूली चाहिए तो वो मशीन ला दे जी पैसे पा तो शराबा निकल जाने रिहायशी इलाके के ठेका किसी भी सूरत नहीं खुलन देंगे खबर आ रही है अमृतसर से जहां रिहायश इलाके में ठेका खुलने पर मोहल्ला वासियों की तरफ से इतराज जताया गया। मोहल्ला निवासियों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं शिवसेना के प्रधान सुदेश सूरी मौके पर पहुंचे और आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। अमृतसर से मनोज भगत की एक खास रिपोर्ट लाइव भारत। मैं तो यह चाहना जी पुलिस के कोल मैं दरखास्त लिख के देंगा महल साइन करा के कि योजे बंद के उत्ते भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें योजे नजायज़ काम जी है दुकान अपनी किराए पर दी है और जिन्होंने इतने दुकान खोलन की कोशिश की उन्होंने उत्ते भी परचे होने चाहिए ने तो जे इन्होंने हूँ समान उन्होंने कहा ठेकेदार के कहें चुक के लै जाने जे शाम तक समान इतों ना खड़िया अभी जो मर्जी कानून भावें हाथ से लैना भाई ताले तोड़ के दुकान का शटर खोल के शराब दियां बोतलां इतने गटर के सुटा सारी रोड़ा और एक बारी नहीं दस बारी भी भावें सरकार नाल आ जाए भावें प्रशासन नाल आ जाए जे इतने कोशिश की प्रशासन ने शराब का ठेका खिलाने की तो प्रशासन के नाल भी इटना इट खड़का देंगे इतने ठेका असी नहीं खुलन देना ये रिहायशी इलाके ने मसा मसा इन लोगों अपने पैरों से खड़े होंगे डेढ़ साल हो गया करोना से सारे डिस्टर्ब ने अज इतने ठेका खिला के लोगों शराबा पियाइए चौंकों के गुंडागर्दी कराइए कल अज इतने खोलिया इतने ना प्रोटेस्ट करा कल दो नंबर गली खोल लेंगे तीन च खोल लेंगे। मैं प्रशासन भी सूचित करना चाहना जे ठेका शाम तक बंद ना हो सील ना हो तो फिर सानू भी कानून हाथों से लैना पेगा जे इतने कोई बंद ने ठेका खोलन की कोशिश की सूरी साहब भी खड़े ने सारे खड़े ने इलाका नाल खड़ा असी कानून अपने हाथों से भी लैना पे तो बिल्कुल लवेंगे प्रशासन ने जो साढ़े ने भी परचे करने ने करे असी इतने ठेका नहीं जो खुलन देना और कन्न भी कर लैन प्रशासन किसी महल्या कोशिश ना करन ठेके खोलन की रेवन्यू घट कट्ठा करन जां वध कट्ठा करन कोई उन्होंने कानूनी कोई अड़चन हैगी प्रशासन नू पुलिस प्रशासन के अगे भी मैं बेनती करदा कि इहोजिहा लॉ एंड आर्डर नू लूती ना लाण दिओ ना अग लगे लोग अगे परेशान ने वेले ने इहोजिहा कोई काम प्रशासन ना करे कि लोग कट्ठे हो के एजिटेशन करन जां कानून हाथ च लैन ये शाम तो पहला ठेकेदार अपना समान चुक लैन तो इस तो बाद जिहड़ा हैगा जे कोशिश की जिवें सूरी साहब ने भी किया इलाके वाले भी किया मैं भी कहना कि इतने आ भाई ताले तोड़ के शराब जी गटर तोड़ के सुटांगे जे प्रशासन ने दोबारा कोशिश की यह भी मैं दस दिना कल मेरे को ला इस जेडे विक्की भला नाँ का व्यक्ति नाल तीन चार जने आए थे बहुत सिफारिशा पवाइया कि असी उत्थे ठेका खोलना चाहते हाँ मैं उन्होंने कहा जी तुहानू महल्ले दे विच मैं ठेके की इजाजत नहीं देनी मेरी वार्ड है मेरा इलाका है मेरा परिवार है उत्थे लोग वधिया लोग ने वधिया इंसान ने वधिया लोकेशन है तुसीं किवें खोलोगे महल्ले च फिर उन्होंने मैनू टैलीफोन भी तीन चार पांच जने दे कराए मैं कहा बिल्कुल जी मेरे वालों कोई परमिशन नहीं और खोलोगे तो सब तो पहला बंदा मैं आवांगा जिहड़ा प्रोटेस्ट करांगा उसके बावजूद भी जिहड़ा मैनू पता लगा इलाके चो फोन आया कि उत्थे ठेका खुल गया इन्नी इन्हां दी जुरत इन्नी इन्हां दी हिम्मत तो फिर साडी हिम्मत भी वेख लैण जे शाम तक इतों ना समान चुकया तो अं तोड़ के भन के सुट देंगे जी। हाँ जी की नाम है जी अपना? ब्रिजमोहन सूरी। मैं स्पष्ट कहना चाहना कि इस एरिए किसी मुस्लिमगंज है तिलक नगर और मुस्लिमगंज इतों मतलब रिहायशी इलाका बिल्कुल रिहायशी एरिया है। ठेका किस तरह खुल सकता है? देखो पहली गल तो मैं हमने पुलिस को पूछा कि क्या इन्हों को परमिशन हैगी है क्योंकि विदाउट परमिशन तो खोल नहीं सकते उन्हें क्या सानू अजे पता ही नहीं। दूसरी गल है कि जो परमिशन भी है जिस तरह उन्हें भाटिया साहब ने दसा है कि वो एक एरिए की परमिशन होंगी ना कि पर्टिकुलर किसी दुकान की और जिते खोल रहे हैं वो एक ऐसा एरिया है जितों रानी बाजार के लोग भी निकलते हैं इधर लाइना क्रॉस करके लेडीज़ इतने बैठे रहते हैं बच्चे बैठे रहते हैं किसी भी सूरत इतने खोलन नहीं दिता जाएगा और पहली अरैसट जो पुलिस कहती ना आप अरैसट करना तो पहली अरैसट देने मैं तैयार हाँ मैं फाइल आ दें जिते लाना आप इतने ठेका नहीं खुलन देना किसी भी सूरत इतने बैठे हैं जो पुलिस सानू आके
आश्वासन देगी प्रॉपर कि वो ठेका नहीं खुलन देंगे, फिर इतों आप उठा अदरवाइज बैठे हैं। नहीं जरा गल करी है हमारे कौंसलर के मौजूदा कौंसलर उन्होंने भी कहा वै कि परमिशन लैन आए, जब कि कौंसलर वालों भी परमिशन नहीं दी गई तो फिर भी वो किस चीज के शेह के नाल ठेका खुल रहे। परमिशन देखो इन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट तो लैनी होंगी, इन्हों इनफॉर्म कर आए कि इन्हों अपने नाल कर लिए, उन्होंने सख्ती नाल मना करता, फिर भी उसकी हिम्मत देखो, उन्हें कहा कि मैं महल्ले वाले भी पूछ लिया, वो जबकि सारा महला तो सामने इतने बैठा है, उन्हें साढ़े बारे भी कहा सानू भी पूछ लिया अभी इतने बैठे, इस करके यह ठेका इतने नहीं खुलेगा किसी भी सूरत, जे सरकार चाहती है कि शांति रवे, कोई दंगे ना आन, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि आप शांति नाल करना जो करना तो सरकार को चाहिए कि यह ठेका इतों बंद करवा दे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के उत्ते, लेडीज़ के उत्ते, नौजवानों के उत्ते बुरा असर पड़ता है। जे आप इस तरह घर घर ठेके खोलेंगे तो मैं तो यह समझना कि फिर शराब घर घर वंड ही देनी चाहिए एक एक बोतल कि सारे पियो। नहीं जिथे कि कल सरकार का एक बड़ा बयान आया वै कि बार रेस्टोरेंट जिम ते अपना कोचिंग सेंटर सिनेमा हॉल ये बंद रहेंगे तो ठेके क्यों खुले रहेंगे फिर? ये तो देखो जी सरकारी आदेश है, सरकारों अपने सरकार चलानियाँ उन्होंने रेवन्यू चाहिए और उन्होंने पता शराब तो सब तो ज़्यादा रेवन्यू आता, पिछले बार भी तुम देखे कि जो लॉकडाउन लगे तो सब तो पहले शराब के ठेके खोले, क्यों? क्योंकि रेवन्यू इकट्ठा हो जाए, तो जे रेवन्यू इकट्ठा ही करना आप गलत तरीके ही करना है तो फिर आप रेहड़िया से भी शराब बेच दिए, आप अपनी आने वाली जनरेशन जी कि नवी जनरेशन 21वीं सदी से चलेगी उन्होंने आप हने ही शराबी कर देना तो फिर तो कुछ भी नहीं बचना। भाटिया साहब ने भी कहता नहीं आप खोलन देना, शिवसेना के चेयरमैन सुधीर कुमार सूरी भी आ रहे हैं, उन्हें दो मिनट जत्थे ये धरना जोड़ा बड़ा लंबा चला जाना और देखो एक्चुअली इस महल कट्ठ बहुत है, अजय सारे पता नहीं लगा इतने तो हज़ार की गिनती कट्ठ हो जाना क्योंकि यह महला सारा इकट्ठा हो जाता और होना भी चाहिए क्योंकि यह प्रॉब्लम ना मेरी है ना भाटिया साहब की ना थोड़ी है, ये सारे की साड़ी जनरेशन को बचाना है, जो अपने बच्चों बचाना है तो बहुत जरूरी है कि ये खिलाफ़ एक्शन लेना पड़ेगा, कुर्बानियां देनिया पैनगियां, जे कुछ होना है हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जे पुलिस ने अरैसट करना है परचे कटने है कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचे भी बंदियां ते होंदे ने भुगत लांगे कोई गल नहीं। देखो चाहे इन्होंने एक दो चार घर को किसी को पैसे दे के या किसी तरीके साइन ले भी ले हो, लेकिन यह मैं दसो कि किहड़े कानून दे विच लिखा कि कलोनिया दे विच महल्लिया दे विच शराब दे ठेके खुलणगे, कदों दा कायदा कानून पास हो चुके हैं? जे सरकार नूं इन्ना की रेवन्यू चाहिए इन्ना की टैक्स की वसूली चाहिए है तो मशीन ला दें जी पैसे पा तो शराबा निकल जाने ठेके गली गली जी ठेके खोल के क्यों लोगों के घर बर्बाद करन दे तुली है सरकार। जबकि गवर्नमेंट वालों एक, एक चिट्ठी भी जारी हुई है कि रैशी इलाके के ठेका नहीं खोल सकते, फिर भी यह किसकी शेह के नाल ठेका खुल रहे? ये देखो जी इन्हों के जेडे जो मुंडा होने से उन्होंने पूछा कहता कोई रंधावा साहब का एक की नाल विक्की भला कोई उन्होंने ठेके है किसी के भी हो चाहे रंधावा साहब के ने या विक्की भले के ने किसी के भी ठेके हो रियासी इलाके दे विच ठेका किसी भी सूरत दे विच नहीं खुलन देंगे, खुलेगा तोड़ भन करांगे इन्होंने उतों भजावांगे चाहे इन्हों को एक्साइज की परमिशन ही क्यों ना हो एक्साइज डिपार्टमेंट की ता भी कलोनिया दे विच ठेके शराब दे नहीं खुल सकते, ये सरकार एक जिहड़ी हैगी जान बूझ के रेवन्यू इकट्ठा करन वास्ते कलोनी च घर घर के कोल ठेके खोलन दे कोल लोगों का घर धियां भैन इतने रहिंदियां इतने आके शराबी बहनगे बदतमीजी करेंगे तो कौन उसके जिम्मेवार रोज़ ही रोज़ लड़ाई होएगी झगड़ा होएगा किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाए। एक पास सरकार एजुकेशन रेस्टोरेंट जिम वगैरह बंद कर रही है तो एक पास ठेके क्यों खोल रही है? मैं तुम्हें दसदा जी सरकार कह रही है कि शराब के नाल करोना नहीं होंदा, करोना नहीं होंदा तो सरकार को चाहिए कि घर घर के जाके पेटियां शराब दियां देन ताकि करोना किसी के घर च भी ना आए, ये सरकार एक अपने तो नज़ला ला के दूजे पास सुट रही है ताकि सानू पैसा भी आई जाए सरकार चलानी है, लेकिन इन्नी भी सरकार गिर जाएगी कि गली गली महल महल जो ठेके खोल के तो दुकाना 8 बजे बंद तो ठेके रात 11 बजे तक खुले ने कि किताब जी लिखे है जे करफ्यू लग गया तो लोग ठेके से शराब लैन के टाइम जाएंगे फिर वो करफ्यू कहता हो जे 8 बजे तो बाद बंदा शराब लैन जा सकता दुकानदारी बंद दुकान बंद जिथे कमाई करनी है तो जितों सरकार को कमाई होनी वो रात 11 बजे तक खुला किसी सूरत जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत ठेका नहीं खुलन दिता जाएगा महला सारा
सारे लोग इकट्ठे ने, कौंसलर साहब भी खड़े ने, भाटिया जी, किसी भी हालत के बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना ही खुलन दिता जाएगा। जो दोबारा ठेका खुलेगा फिर यदि शराब जिनी गई महल्ले वाले नाल लैके चुक के सीरत भी सुट दा के खुली जाए, जिनी बारी मर्जी खोलन उन्नी बारी शराब शराब रोड़ी जावेगा। आप ठेके खोलना तो बड़ी दूर की गल है, जे कि खोलन गए भी फिर यो इन्हों भरना पेगा कि जिन्ना माल अंदर पे सारा सीवर रोड़िया जाएगा, चाहे किसी का भी ठेका हो। जिसकी दुकान है पहला तो उन्होंने दुकान अपनी देनी नहीं चाहिए राशि ला के। बाबू जी कौंसलर साहब इतने ने, मैं इन्हों रिक्वेस्ट करता हाथ जोड़ के कि जड़िया दुकाना खुलियां जिन्होंने करियाने दियाँ या कोई टोफिया टाफिया दुकाना खुलियां खुलियां रहन दो, जिहड़ियां इहो जिहियां दुकाना दिंदियां इन्हां दुकानां नूं मेयर साहब नूं कह के सील करवाओ, बिल्कुल ठंड जी, इन्हां नूं दुकानां नूं बंद कराओ। असीं तुहाडे नाल आ, कारपोरेशन दे नाल खड़े आ, कौंसल साहब दे नाल खड़े आ। इहो जिहियां दुकानां जिहड़ियां कि जिन्ने एक वारी इहो जिहे किसे काम वाले नूं दुकान देती उहदी दुकान सील करा दिओ, असीं तुहाडे नाल आ, साडे कोल तुसीं साइन लै सकदे। हां जी, हां जी, की नाम है जी अपना? विक्रमजीत। हां जी, जरा कि अज इतने लोगों वालों धरना दिता गया मुस्लिम गंज के बेच, तो लोग कहते इतने एक ठेका खुल लगा सी, तो वह कहें कि पुलिस ठेका खोलन के नाल बंद रली हुई कि ठेका खुले। देखो जी पुलिस जी है पब्लिक के नाल रली हुई है, दूसरे बंद नहीं रली हुई, पता लगे दुकान खुल रही है, आए हैं इमीजिएटली ठेके बंद कराया, पब्लिक न बिल्कुल अवे किया भी अभी थोड़े नाल हाँ, ठेके पब्लिक बिल्कुल मेरे नाल खलोती है, ठेका बिल्कुल बंद कराता है, हाँ जी पब्लिक तो बिल्कुल नाल हाँ। इमीजिएटली पता लगा, इमीजिएटली आ गए, आ के ठेके बंद कराया पब्लिक के नाल, पब्लिक का साथ देने भर्ती हो पब्लिक के नाल बिल्कुल चलांगे। पब्लिक के नाल ठेका जो है डॉक्यूमेंट वगैरह जो पकाते हैं वाला तरफ से नोटिस पे लिया दिया जाएगा, ठीक है जी, ठेका फिलहाल नहीं खुला देंगे जी, ठीक है।